वेलकम टू माई चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक उर्दू को और दबा दीजिए बेल वाले आइकन को, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हाईटेक उर्दू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल एंड लव यू ऑल फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन अर्न $300 पर मंथ विद पेवो वेबसाइट एंड हाउ टू वर्क ऑन पेवो वेबसाइट। सो इफ यू डोंट नो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द ज्वाइनिंग लिंक, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पेवो वेबसाइट पे काम करके पैसे कमा सकते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने पेवो से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली वीडियोस देखें कंप्लीट, ताकि आपको पता चल सके कि इस वेबसाइट पे किस तरह से रजिस्टर होते हैं और किस तरह से इस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं और किस तरह से इस वेबसाइट से अर्निंग होती है। तो ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ज़्यादा फेसबुक के मैसेज मुझे मिले और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूँ कि कैसे आप पेवो पे काम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जो है वो लॉगिन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे वो वेबसाइट मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने जो है वो शो हो रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी जो है आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपका टाइम भी बच सके, मेरा टाइम भी बच सके। तो मेन पॉइंट जो इस वेबसाइट के ऊपर है वही मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले अवेलेबल बैलेंस, वो वाला बैलेंस होता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो पैसे आप विड्रॉ करवा सकते हैं वो वाले यहाँ पे शो होते हैं। इसके बाद आपने जितनी भी अर्निंग की होती है वो टोटल क्रेडिट में आता है, और इसके बाद आपने जो आईडीज जनरेट हुई होती हैं डिपॉज़िट, वो आपके यहाँ शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद वेरीफाइड और आपकी ईमेल जो होती है, आप जब इस वेबसाइट को ज्वाइन करते हैं तो अपग्रेड करने से पहले आपने अपनी ईमेल लाजमी वेरीफाई करनी है। तो इसके बाद पेड ऐड जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, अगर आपके पास ये वाले ऐड होंगे तो आपके पास ये वाला एरर नहीं आएगा जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला एरर बहुत से फ्रेंड के पास आ रहा है और कह रहे हैं कि सर जब भी क्लेम एड्स पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एरर आता है। ये तभी आता है अगर आपके पास पेड ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर ज़ीरो होगा तो आपको ये एरर आएगा, क्योंकि आपके पास क्लेम के लिए पैसे लेने के लिए ऐड ही नहीं है। इसलिए तो ये ऐड किस तरह से आते हैं, आपने अपने फ्रेंड को रेफ़र करना है, आपके जो रेफरल हैं वो किसी और को रेफ़र करेंगे तो आपको ये पेड ऐड जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बाद जो है वो एड्स पॉइंट, अब ये वाले एड्स पॉइंट क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इन एड्स पॉइंट से आप जस्ट जो है वो यूट्यूब वीडियोस की प्रमोशन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पॉइंट्स एड्स पॉइंट्स का जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे तीन एड पॉइंट जो हैं वो एक्टिव हैं कि मैं तीन वीडियोस की जो है वो प्रमोशन कर रहा हूँ। तो इस तरह यहाँ पर जितनी भी आप जो हैं वो अगर प्लेस करना चाहते हैं एड, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने अपनी वीडियो का URL जो है यहाँ पे देना है। अगर आप सब्सक्राइब का बटन लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर, अभी यूट्यूबर्स के लिए ये न्यू फीचर आया है, तो वो भी आप यहाँ पे अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं और आप अपना एड एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। आप डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड जाने के बाद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एड फॉन्स का क्या फ़ायदा है। इसके बाद अकाउंट स्टेटस पेड है, जो मैंने इजी पैसा के थ्रू अपग्रेड किया था 212 रुपये दे के। तो अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि अपग्रेड कैसे करते हैं। आप मेरी सबसे पहले वाली वीडियो देखें, वहाँ मैंने अपग्रेड आपके सामने किया है, और आप भी ऐसे ही करें। अब मैं हर अकाउंट से तो मैंने अपग्रेड नहीं किया ना, मैंने जस्ट इजी पैसे से किया है, मैंने बिटकॉइन से करके नहीं देखा, परफेक्ट मनी से करके नहीं देखा, जैस कैश से करके नहीं देखा, तो डेबिट कार्ड से करके नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो पैसे जो है वो यहाँ से काटे जा चुके हैं, लेकिन हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हुआ। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ यार, मैंने तो आपके सामने पहले वाली वीडियो में किया है, मेरा तो हो गया था फर्स्ट टाइम में। इसके बाद डेली एड्स हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही चीप ऐड हैं, सस्ते ऐड हैं,
और इससे आपको कुछ पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलते, इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद आप देखें तो 8 से 10 दिन हुए हैं मुझे इस वेबसाइट को ज्वाइन किए हुए, तो यहाँ से मैंने $84 विड्रॉ लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं आपके सामने। तो मैं यहाँ पे आपको बार बार प्रूफ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रूफ दिखाया था। जिसको ट्रस्ट है वही काम करे, जिसको ट्रस्ट नहीं है ना करे, और जो कर सकता है रेफरल बना सकता है, जो टीम बना सकता है वही काम करे, जो नहीं बना सकता वो इस वेबसाइट को ज्वाइन ना करे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बातें आपको बताऊँगा, मैं कोई भी आपके साथ जो है वो फेक चीज़ शेयर नहीं करूँगा कि आप इस वेबसाइट पर आएँ, क्योंकि मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, अगर आप काम कर सकते हैं तभी आप इस वेबसाइट को ज्वाइन करें। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आने वाली वीडियोस में आपको और वेबसाइट शेयर करूँगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जो है विदाउट एन इन्वेस्टमेंट के वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट रेफरल मेरे 5 यहाँ पर शो हो रहे हैं, डायरेक्ट रेफरल। तो वैसे तो मेरे रेफरल बहुत ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी मेरी टीम है अभी इस पे वो वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप भी मेरी टीम में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम में आए, मेरी टीम के साथ ज्वाइन हो, तो आपने क्या करना है, रेफरल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये काम कर सकते हैं, रेफरल बना सकते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो इस तरह का पेज ओपन होगा, ओपन होने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि इस पे रजिस्टर किस तरह से होते हैं। बहुत ज़्यादा फेसबुक पे मुझे मैसेज मिले हैं कि आप ये बता दें कि इस वेबसाइट को ज्वाइन कैसे करना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, इसके बाद आपने ईमेल लिखनी है, ईमेल लिखने के बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री से आप हैं, तमाम कंट्री यहाँ पर ये वेबसाइट सपोर्ट करती है। ओके, तो जैसे हम मैं यहाँ पर पी प्रेस करूँगा तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो आप जिस कंट्री से हैं, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना सेल फोन लिखना है, और यहाँ से भी आप अपनी, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंट्री कोड आ जाएगा। इसके आगे आपने यहाँ पे जो है वो अपना सेल नंबर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद आपने अपना सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड कोई भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा आपने वही पासवर्ड नीचे भी लगाना है जो आपने यहाँ पे ऊपर लगाया है। इससे नीचे यहाँ पे आप जो है वो 1289, अगर आप मेरी टीम में आना चाहते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको अपने रेफरेंस शो कर देता हूँ कि मेरे कितने रेफरेंस हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी टीम जो है वो कितनी लार्ज है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं लेवल स्टेटस पर क्लिक करूँगा। लेवल स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, मैं करते जाता हूँ और ये ख़त्म ही नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा रेफरल हैं, बहुत ज़्यादा लोग मेरे लिंक से जो हैं वो ज्वाइन हैं, मेरी टीम में शामिल हैं। ये आप देखते जाएं, मैं नीचे करता जाता हूँ और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद जो मेरी आईडी जनरेट हुई हैं उनके रेफरल जो हैं वो अलग से हैं, तो वो रेफरेंस भी जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये वो रेफरेंस हैं जिन्होंने पेड किया हुआ है। अगर अनपेड की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा रेफरेंस हैं कि ओके, जैसे ये ओपन होता है तो आप देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा रेफरल हैं यार, बहुत ज़्यादा रेफरल हैं जिन्होंने पेड नहीं किया। अगर इस वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वेबसाइट को ज्वाइन करें और इस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अब उन लोगों को मैं बताता हूँ कि जो मुझे बार बार कहते हैं कि हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, हमने ज्वाइन भी कर लिए, तो आपने क्या करना होता है, इस वेबसाइट पर आपने अपना ये वाला रेफरल लिंक जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना होता है। जितने ज़्यादा फ्रेंड आपके जो हैं इस रेफरल से ज्वाइन होंगे, आपके इस रेफरल से जितने ज़्यादा फ्रेंड ज्वाइन होंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर हम फ्रेंड को ज्वाइन करवा लेते हैं तो वो फ्रेंड जो है आगे इस
वेबसाइट पे पे नहीं करता, अपना अकाउंट अपग्रेड नहीं करता, 212 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो क्या हमें अर्निंग मिलेगी? इसका जो सिंपल सा आंसर है, आपको इसकी कोई अर्निंग नहीं मिलेगी। अनपेड रेफरर की कोई अर्निंग नहीं होती। जब तक आपका फ्रेंड इस अकाउंट को अपग्रेड नहीं करेगा, 212 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। अगर आपका फ्रेंड आपके रेफरर से ज्वाइन होता है और 212 रुपये लगाता है, फिर आपको पेड ऐड मिलेंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने वेबसाइट को ज्वाइन कर लिया है और हमें रेफरर्स नहीं मिल रहे हैं। अब दो तरह के यहाँ पे जो है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे जो है वो मुझे जहाँ तक पता है, इस तरह होता है कि अगर आप मेरी इस रेफरल से ज्वाइन होते हैं, सपोज़ करें कि आपने इस रेफरल से ज्वाइन किया है, आपने अपने अकाउंट पे 212 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप रेफरेंस नहीं बना सकते। अब क्या होगा कि आप कुछ टाइम वेट करेंगे, कुछ टाइम से मतलब ये है कि आप 4-5 दिन जो हैं वेट करेंगे अगर आप रेफरेंस नहीं बना सकते, तो कंपनी आपको स्पिल ओवर कोई भी रेफरेंस मेरा स्पिल होके आपके पास चला जाएगा। अब मेरा वो वाला रेफरेंस जब आप आगे कोई रेफरेंस बनाएगा, तो आपके जो हैं वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके फर्स्ट लेवल के 5 डायरेक्ट रेफर बन जाते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आपके फ्रेंड जो डायरेक्ट रेफर आपके बने हुए होते हैं, जो अगर वो वाले फ्रेंड किसी और को ज्वाइन करवाते हैं अपने लिंक से, तो फिर आपके नीचे वाले रेफरेंस भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने आज इस वेबसाइट को ज्वाइन किया है और कल आपको पेड ऐड भी मिल जाएँ और आपके रेफर भी मिल जाएँ। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि बहुत से ऐसे फ्रेंड भी हैं जिन्होंने यहाँ से अर्निंग की है, मेरे ही टीम में हैं और मेरे ही रेफरेंस से उन्होंने ज्वाइन किया था। और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर जो है वो कमेंट्स करें और लोगों को बताएं कि आपने इस वेबसाइट से अर्निंग की है। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार प्रूफ नहीं दिखाने वाला कि यार इस वेबसाइट को देखो ये पे करती है। तो जिसको ज्वाइन करनी है वो करे, जो ट्रस्ट करता है वो ज्वाइन करे, और जो नहीं करता वो बेशक ज्वाइन ना करे। और जो काम कर सकते हैं, रेफरेंस बना सकते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और वो भी ज्वाइन करें। जो कम रेफरेंस बना सकते हैं, वो थोड़ी बहुत अर्निंग इस वेबसाइट से कर सकते हैं। मैं सीधी सी बात कहूँगा, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहूँ कहने वाला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा तभी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप रेफरेंस बना सकते हैं। तो अब हम ऐड क्लेम करते हैं, और उम्मीद है कि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई रहता है तो आप फिर मुझे फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वेबसाइट वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी बताता रहता हूँ। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल को ओपन करेंगे तब भी मिल जाएगा। तो आपने हाईटेक उर्दू को यूट्यूब पर सर्च लगा के ओपन कर लेना है, और फेसबुक के पेज को लाइक करें। लाइक करने के बाद जो है, अगर किसी भी किस्म का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने तकरीबन 8-10 दिन में जो है $84 विड्रॉ किया है। विड्रॉ हिस्ट्री में जाऊं, विड्रॉ मनी में क्लिक करता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने की हैं, मैं कोई हाइड नहीं करूंगा, इजी पैसा के थ्रू मुझे रिसीव हुई हैं, मेरे अकाउंट में आई हैं, और 100% रियल मुझे जो है यहाँ पर पैसे जो है वो इस वेबसाइट से मिले हैं। ठीक है, अब तक तो ये वेबसाइट वर्क कर रही है। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक ब्रदर्स का था कि वो कह रहे थे कि सर आपने कहा कि ये वेबसाइट 2012 से वर्क कर रही है, तो ये 123 दिन ओल्ड वेबसाइट है। तो ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगर आप मेरी देखें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट जो है LTE वालों की है, और LTE जो है वो 2012 से काम कर रही है, ये उनकी वेबसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने ये वेबसाइट न्यू लॉन्च की है, और अभी तक ये वेबसाइट पेमेंट दे रही है, ठीक जा रही है, और इस आज की डेट नोट कर लें, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो ठीक है फ्रेंड, ये वाला भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं पेड ऐड की। तो अगर आपके पास आपकी कोई बड़ी टीम है, पेड ऐड ज़्यादा आते हैं, तो अब आपको मैं बताता हूँ ये क्लेम बैलेंस में दो ऑप्शन क्या हैं। एक मैनुअल क्लेम बैलेंस है, एक इंस्टेंट क्लेम बैलेंस है। मैनुअल क्लेम बैलेंस वो वाला होता है कि आप एक एक ऐड को देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैनुअल क्लेम बैलेंस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले अगर देखेंगे
चैनल सब्सक्राइब। आपको क्या करना होगा, क्लेम नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सब्सक्राइब नो पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब नो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये कोई चैनल ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको जो है सब्सक्राइब करना है। ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई करने पे मैं वेरीफाई करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 95 ऐड हैं। ठीक है, अब मैं इस पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 2 ऐड व्यूज़। अब आप देखेंगे कि यार 0.08 वाला ऐड जो मैंने अभी देखा है, तो अब 0.04 वाले जो ऐड 2 होते हैं जो आप यहाँ से क्लेम करते हैं, ये वाले इसका ऐड 0.08 वाला ऐड जो अभी न्यू यहाँ इनका फीचर है सब्सक्राइब चैनल, वो मैंने क्लेम किया है। तो मेरे 2 ऐड्स जो हैं देखे जा चुके हैं। अभी मेरे पास 95 ऐड थे, तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो 93 ऐड्स मेरे पास होने चाहिए। अब देखते हैं कि मेरे पास 93 ऐड्स हैं या नहीं। तो कुछ लोग यहाँ पे जब क्लेम नो पे क्लिक करते हैं तो उनके पास ये वाला एरर आता है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये एरर इस वजह से फ्रेंड आता है अगर आपके पास पेड ऐड नहीं है। तो मेरे पास ऐड थे, इस वजह से मुझे बैलेंस मिल गया है। चलिए अब डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है इंक्रीज़ हो गया है और मेरे 2 ऐड जो हैं वो यहाँ पे देखे जा चुके हैं, व्यू हो चुके हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे क्लेम कर दिया। अब एक एक ऐड को करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मैंने मैनुअल क्लेम किया है। अब मेरे पास 93 ऐड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ यार ये ऐड भी कंपनी देखे, मैं ना देखूँ एक एक ऐड। तो ये किस तरह से देखने हैं, मैंने इंस्टेंट क्लेम पर क्लिक करना है। अगर आपके पास भी ज़्यादा ऐड होंगे तो आपने ये वाला करना है। अब यहाँ पे आप देखें, आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से 10% जो है वो चार्ज करेंगे, कंपनी इसमें से 10% रखेगी और बाकी जो है वो 93 ऐड्स का जो है वो मुझे ऑलमोस्ट $3.50 मुझे मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लेम इंस्टेंट नो पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी 10% रख ले और सारे ऐड्स मेरे कंपनी ही देख ले। ओके पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। ये कह रहा है कि आपके जो है ऑलमोस्ट $3.50 जो है आपके अकाउंट में दाखिल कर दिए गए हैं। चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें बैलेंस मिला है या नहीं। अब आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है वो माइनस पे जा रहा था। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि आपका बैलेंस माइनस में क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मेरा बैलेंस यहाँ पे माइनस पे इस वजह से था कि मेरी यहाँ पे 2 आईडीज़ जनरेट हो गई थी एक साथ और $4 मेरे इन्वेस्ट हो गए थे इन आईडीज़ पे जो न्यू आईडीज़ जनरेट हुई हैं। अभी टोटल मिला के मेरी 33 आईडीज़ जनरेट अभी तक हो चुकी हैं, तो इस वजह से मेरा बैलेंस माइनस पे था। अब मुझे रिकवर करने हैं ये वाले पेड ऐड जो हैं वो क्लेम करके अपना बैलेंस जो है वो क्लेम करना है। तो अभी मैंने देखा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है मेरा बैलेंस। अब जो भी पेड ऐड मुझे मिलेंगे मैं देखूंगा, वो मेरा जो है वो पॉजिटिव पे आ जाएगा और मुझे जो है विड्रॉ बैलेंस जो है मिल जाएगा यहाँ पे, तो मैं देख सकूँगा तो इसके बाद जो विड्रॉ कर सकूँगा। ये वाला था क्लेम बैलेंस का, आपका क्लियर हो गया। इसके बाद न्यू ऑप्शन यहाँ पर आया है अपग्रेड फ्रेंड्स। इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस में $2 हैं तो आप किसी भी फ्रेंड की ईमेल लगा के यहाँ पे अपना पिन लगा के जो आपका पे वॉक का पिन है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से पे वॉक का पिन जो है जनरेट कर सकते हैं और अकाउंट किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो लगा के अपने अपग्रेड नो पे क्लिक करना है तो आपका फ्रेंड जो है वो उसकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी आपके थ्रू। ये भी आप इनका नया सिस्टम आया है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ जो है मुझे कमेंट्स मिले हैं फेसबुक पे, जो हैं वो कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी, जैसे कि गर्ल्स चाहती हैं कि उनकी प्राइवेसी जो है वो हाइड हो, उनका सेल नंबर शो ना हो और उनकी ईमेल जो है वो भी शो ना हो, तो उनका ऑप्शन बी आ गया है। वो किस तरह से आपने करना है, आपने जस्ट सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस के बाद यहाँ पर आपने प्राइवेसी पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड फॉर पब्लिक आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ भी आपने हाइड फॉर पब्लिक सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप फ़ोन नंबर
हाइड करना चाहते हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट करें, ईमेल हाइड करना चाहते हैं फिर आप ये सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने पे वो की पिन डालनी है, आपने जो भी आपकी पिन है वो आपने डाल के यहाँ पे चेंज नाउ पे क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल और सेल नंबर आपका हाइड हो जाएगा। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब लास्ट में यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि वही फ्रेंड इस वेबसाइट को ज्वाइन करें जो एक रेफरेंस बना सकते हैं, और इसके बाद जिनके पास जो है वो ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, फेसबुक का पेज है या फिर कोई यूट्यूब की चैनल है या फिर रेफरेंस ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन रेफरेंस ले सकें या ऑफलाइन अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करके रेफरेंस जो हैं वो बना सकें, तो वही इस वीडियो को वेबसाइट को ज्वाइन करें। अदरवाइज़ आप इस पर अगर रेफरेंस नहीं बना सकते तो आप इस वेबसाइट को ज्वाइन मत करें। इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अर्निंग है अगर आप इस पर रेफरेंस बना सकते हैं। जैसे जैसे वो टीम अर्निंग करती जाएगी तो आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जब तक ये वेबसाइट रहेगी आपको इसका कमीशन मिलता रहेगा, तो आप यहाँ से अर्निंग करते रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ से मैंने $84 विड्रॉ किया है और इजी पैसा के थ्रू। अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट पे आप काम कर सकते हो तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर ज्वाइन करो। तो लास्ट में मैं आपको ये कह दूँ कि जिन ब्रदर्स ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं ऐसे ही 100% रियल वेबसाइट अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, इसके साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं लास्ट में आपको ये बता दूँ, जिन ब्रदर्स ने मेरी वीडियोस कॉपी की हुई हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को कॉपी किया हुआ है, वो वीडियो को अपने चैनल से रिमूव कर दें इससे पहले कि मैं आपके चैनल पर स्ट्राइक डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मेरी वीडियोज़ कॉपी की हैं और कुछ लोगों ने मेरे यार थंबनेल कॉपी की, यार ये अच्छा नहीं है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो मुझे प्यार करते हो, और बहुत से लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद जाओ उन चैनल पे और उनको कहो कि आप जो हाईटेक की जो आपने वीडियो डाली हुई है इस वीडियो को रिमूव करो। आप भी उन आप भी देख सकते हो बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोज़ को जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। विदाउट क्रेडिट के उन्होंने मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट मीन्स कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नाम जो है शेयर करते हो कि ये हाई टेक की वीडियो है और हम अपने चैनल पे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया, बस वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मेरी वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स जो हैं वो जाके यहाँ पे आप भी जाएं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं तो उन पे कमेंट करके उनको कहें कि मेरी वीडियो को रिमूव करें इससे पहले कि मैं स्ट्राइक डाल दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा इस वेबसाइट के बारे में। तो आई डोंट थिंक कि इसे पर इस पर कुछ और सवाल बनता है। हाँ, एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि आपने अकाउंट वेरीफाई करने से पहले अपनी ईमेल वेरीफाई ज़रूर करनी है, फिर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। हो सकता है कि ये इशू आता हो और आपका अकाउंट वेरीफाई ना होता हो, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।